आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा करने के पाकिस्तान में वो उमूमी तौर पे जो इलेक्शंस का माहौल मिसिंग है, वो मिसिंग होने के क्या नुकसान हो सकते हैं? वोटर टर्नआउट कम होगा, वोटर इलेक्शंस के ऊपर उसके उसका इतना एतबार नहीं है, फिर इलेक्शंस की जो साख जो मजरू हुई है, क्या इसके इंटरनेशनल परस्पेक्टिव भी कोई है और इसका पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत को क्या कोई नुकसान या फायदा हो सकता है? नहीं हसन साहब, यू हैव अ वेरी गुड आई ऑन जियो पोलिटिकल सिचुएशन। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये कि पाकिस्तान में फॉरन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती, पाकिस्तान का जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि वहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट रहता है। ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं जिसके हवाले से ऑलरेडी देर इज अ ह्यूज स्पेकुलेशन, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसको लेके डाउट क्रिएट कर रहे हैं। डू यू थिंक इज इट फेयर कि इस इलेक्शन को थोड़ा सा डिले कर दिया जाए ताकि जो सारे डाउट्स हैं इन डॉट्स को भी कनेक्ट करके एक बेहतर इलेक्शंस कराया जाए, या टाइम पे इलेक्शंस होना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले एक जो बात सैफ साहब ने की कि अब क्वेश्चंस जो है ना जजेस के बारे में, कि जजेस की जुडिशरी को सर प्रेसिडेंट्स कहलाते हैं, जो पास डिसीजंस हैं प्रेसिडेंट्स के बेसिस पे नए डिसीजंस भी लिए जा सकते हैं और प्रेसिडेंट्स को इग्नोर भी किया जा सकता है। अच्छा, अब ये तो चलता रहेगा। जो अभी आपका सवाल है कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं और ये रोड ब्लॉकर्स हैं, ये तो रहेंगे। आज आप डिले करेंगे, फिर ये हो सकता है अभी छोटे हैं और बड़े हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो आई थिंक जैसे कि ऑलरेडी हम एक साल लेट हो गए हैं तकरीबन इलेक्शंस में, इलेक्शंस करवा लें इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद, ताकि एक चीज जैसा क्लास वन से क्लास टू में आते हैं तो क्लास वन का रिजल्ट क्लास वन तक ही रहता है, तो नेक्स्ट एक बाउंड क्लियर करें, सेकंड बाउंड में हो सकता है जो प्रॉब्लम्स होंगे वो भी लीगली उसी तरह आगे लेके चलें। अच्छा, एक सवाल ये है कि हम आमतौर पर देखें पाकिस्तान में 5 साल का टेन्योर, दीगर ममालिक में 4 साल का टेन्योर भी होता है, कि ये एक बेहतर हिकमत अमली हो सकती है कि पाकिस्तान में जो ये हुकूमती वक्त है इसको 5 से 4 साल तक महदूद कर दिया जाए ताकि ये जो ऑब्स्टेकल्स है हम थोड़ा उसको कम कर सकें? ये इस पॉसिबिलिटी है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है ये। हाँ, ये जब होना चाहिए या नहीं, क्या निजाम को बेहतर कर सकते? 5 साल हो या 4 साल हो चाहे 3 साल हो, लोग सही काम करें, अगर वो डिलीवर ठीक करें 5 साल में भी कर सकते हैं, अगर वो डिलीवर नहीं कर रहे हम 4 साल में नहीं कर रहे। पाकिस्तान की हुकूमत 3-3.5 साल में अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर खत्म हो जाती है, अगर यही मुद्दत 4 साल की हो तो शायद ये जो ब्रीदिंग स्पेस हमें जो मिल रहा है जिसमें हम देखते हैं कि एजिटेशन रहती है, हमारे पॉलिटिशियन से उस अंदाज से सब्र नहीं हो रहा होता, फिर वो सड़कों पे एहतजाज हो रहे होते हैं, शायद इसमें कोई कमी हो जाए। सर, ये इससे इसके रिलेटेड नहीं है। मेन तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सिविल मिलिट्री बैलेंस ऑफ पावर, पहला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारी इकोनॉमिक चैलेंजेस और डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस, सही है। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी जो पावर डिवोल्यूशन है जो आप लोकल गवर्नमेंट तक हो रही है नहीं हो रही हमारे यहाँ, वो तो कोई जान नहीं, नहीं, नहीं। ये तीनों सवालात जो है ना ये आपको उलझा देते हैं, जिसकी वजह से आप कह लेंगे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो डिलीवर नहीं करती, या आप समझ लें कि वो समझती हैं कि इन वजह से हम डिलीवर नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब जो आप 4 साल करेंगे ना तो हो सकता है ये अभी 2 साल में हो रही, हो सकता है 1 साल में खत्म हो जाए और जल्दी हो जाए, तो इनका बेहतर ये है कि बारियां लगी होंगी, आने जाना लग रहा होगा। अभी आप एग्जांपल दें स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड के अंदर जो एक कैबिनेट होती है वो जैसा लेट्स से 7 मेंबर्स हैं, अब उनमें ये होता है कि खास ड्यूरेशन तक सारे जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं प्रेसिडेंट बन जाते हैं, सही है, वो रोटेट करते हैं। अब उसमें ये हर बंदे को जो है ना एक जो जो आप समझे कि एमपी है उसको एक चांस मिलता है कैबिनेट के मेंबर को कि वो हेड ऑफ स्टेट बन जाए, उस तरह काफी मतलब एक मैच्योर हेड ऑफ पार्टी कोई नहीं बन सकता तो आप हेड ऑफ स्टेट की बात। अब ये इश्यूज जो है ना ये तो उस वक्त तक रहेंगे जब तक कि हमारी मैच्योरिटी लेवल जो है ना मैच्योरिटी, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी कब आएगी? देखिए इसमें कोई दिन तारीख इसका दे दें? देखिए कोई तारीख नहीं दे सकते, लेकिन एक जो है कि एक बहुत बेहतर चीज थी कि हम जैसा इकोनॉमिक टेररिज्म है उसको परसू करें, अगर जो इकोनॉमिक टेररिज्म हुआ है मुल्क के साथ उसको भी अगर परसू करें उसी तरह जिस तरह दूसरे टेररिज्म किया था, कितने सारे लोगों की चीखें निकली थी आपको पता है ना? देखिए अब या तो आप मुल्क देख लें या चीखें देख लें, तो सर अभी भी निकल नहीं रही है ना, तो फिर इसको कंटिन्यू रहने देते हैं, कंटिन्यू रहना चाहिए। देखिए लेकिन एक लॉजिकल एंड कंक्लूजन तक हो, अब ये नहीं बट, कि बट एक डिलेमा, सॉरी इंटरप्ट, एक डिलेमा ये भी है कि हमारे यहाँ हम देखते हैं एक चीज जब अपनी शिद्दत पे आती है, इनफैक्ट जब वो अपने सही मोड पे जाती है तो फिर हम देखते हैं वो डिसकनेक्ट हो जाती है, डिसकंटिन्यू हो जाती है। जिस तरह सलमान साहब ने कहा कि कोई मकबूल है कोई कबूल है, कल तक जो जिनको यही अदालतों ने क्या कुछ नहीं कहा, सिसिलियन माफिया और इस तरह के अल्फाज इन्हीं अदालतों से निकले, आज वही अदालतें
एयरपोर्ट पे जाके वहाँ से उनके फिंगरप्रिंट्स ले लेती हैं, बायोमेट्रिक होती हैं और फिर उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। तो फिर ये एक प्रेसिडेंस तो है ना हमारी अदालतों में, देखिए मैं हमारे निज़ाम की खामी है। हाँ, निज़ाम की खामी कह लें या देख लें कि देखिए अभी हमें कितना अर्सा हुआ है, 70-75 साल मुल्क को हुए हुए, वी आर इन्फेंट। आप दूसरे ममालिक देखें हमसे 2-2 साल पुराने हैं और उनमें भी मिसाल के मैं अभी अगेन एग्जाम्पल दे रहा हूँ स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड का उसके मतलब 700 से ज़्यादा साल हो चुके हैं उसको, उसको उनके अंदर खवातीन को जो वोट का इख्तियार है 1940s-50s में मिला है। सर अगेन बट वी सी द पॉजिटिव साइड आल्सो ना, इंडिया हमारे बराबर में हमसे 10 गुना बड़ी आबादी है एंड वहां शायद इलेक्शंस के ऊपर इतना बड़ा सवाल नहीं होता जितना पाकिस्तान में होता है। देखिए इंडिया के पास जब इंडिया जब था उसमें आप देखें कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी रही और लीडर्स रहे हमारे, जैसे पाकिस्तान बना है कायदे आजम रहलत फरमा गए, लियाकत अली खान चले गए, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसका वैक्यूम रहा है। अच्छा अब ये कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज़, आप कह लें कि हमारी सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने कोशिश की उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने की और उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिले, कुछ गलतियां भी हुई लेकिन कुछ बहुत बेहतर काम भी हुए। अब जब वो अब लेट से कि पॉलिटिकल और ये गैप को अगर फिल करने के लिए सिविल डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, क्या सवाल ये होता है क्या उन्होंने वो गैप फिल किया? आप अगर आप प्रोग्रेस देख रहे हैं कि क्या उनको गैप फिल करने दिया गया, ये एक सवाल है। देखिए दिया या किया, अब ये तो हाफ एक से बहुत दोनों तरफ से डिफरेंट कुछ तो हुआ ना। लेकिन सलमान साहब अब चलें, ये इलेक्शंस हो रहे हैं, फिर वही सवाल है, ये इलेक्शंस हो जाएंगे तो अगली हुकूमत का आपको लगता है इस माहौल में अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो पहले हुकूमत कौन बनाएगा? आजाद उम्मीदवार तो हुकूमत नहीं बना रहे इस मुल्क में। नहीं देखें आजाद का तो कोई स्टेटस नहीं, किंग मेकर हो सकते हैं मेरे ख्याल से। तो मसला ये है ना कि आज़ाद इधर उधर हो जाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं उसके, तो आज़ाद पे तो आप डिपेंडेंट किसी सूरत में ना कोई कानून कर सकते हैं। इस में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, हॉर्स ट्रेडिंग अब आज़ाद के लिए, आज़ाद के लिए तो आप हॉर्स ट्रेडिंग का जो है वो तो जमातों पर आता है। अब आज़ाद इंडिपेंडेंट जो है वो तो कुछ भी कर सकते हैं और करेंगे, और मेरा ख्याल है जी जी मैं जो बता रहा हूँ आप नोट कर लें, और विद इन अ मंथ मेरा ख्याल है कोई पार्टी दोबारा इलेक्शन का मुतालबा भी कर देगी। आप देख लीजिएगा विद इन अ मंथ आफ्टर इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, खैर वो उस वक्त देखी जाएगी। कायदे आज़म का जिक्र हुआ तो मैं मतलब ये बात कह रहा हूँ, अगर कायदे आज़म 4-5 साल जिंदा रह जाते तो ये बात किसी ने कही है कि शायद वो भी कोर्ट लखपत में होते। तो मकसद कहने का ये है कि इंडिया जब बन रहा था, इंडिया के लोगों ने मेरे ख्याल 2-4-5 साल पहले कराची में भी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, सही, जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड कर ली थी कि खारजा पॉलिसी क्या होगी, किस तरीके से डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाया जाएगा, कौन सी क्लास जो है वो आगे बढ़ेगी, किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम होंगे, डिफेंस सेक्टर का क्या रोल, सारी चीज़ें इंडिया डिसाइड कर चुका था, जिसका फल उन्हें आगे आके नज़र आया है डेमोक्रेसी की शक्ल में कि मुस्तकिल डेमोक्रेसी वहाँ पर चली है, कभी भी कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई, क्योंकि उनके सिस्टम पहले बन चुके थे। बदकिस्मती से यहाँ टाइम नहीं मिला, जैसे कि अभी भाई ने भी कहा है और आप भी कह रहे थे कि हमारी जो बड़ी लीडरशिप थी, मेन लीडरशिप थी, वो बहुत जल्दी जो है, ये तो कोर इशूज़ है ना। आज की सिचुएशन ये है कि आज आप अगर सोशल मीडिया पर देखें तो लोगों को बाकायदा ले जाया जा रहा है, कैंडिडेट्स हैं उनको गाड़ियों में डाल के बाय फोर्स ले जाया जा रहा है, और इस मुल्क में हो रहा है ना, अनफॉर्चुनेट है, ये होता है। और उसमें बहुत सी चीज ऐसी भी है कि शायद वो नजर का धोखा भी है, हर चीज रियलिटी भी नहीं है, कुछ रियलिटी है कुछ धोखा है, ऐसे माहौल में आप शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि असल सिचुएशन क्या है। ये काम करें, देखिए ये चीज जो आप कह रहे हैं ये पहले भी होती रही है, थोड़ी कम होती है लेकिन हमेशा हुई है, लेकिन हमेशा होती रही है। अब सवाल आपका आ रहा है कि इसका हल क्या है, मेरा ख्याल है अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में तो मुझे कोई ऐसी बेहतरी की उम्मीद अगली हुकूमत से नहीं होगी 5 साल के लिए। देखें डिपेंड करेगा बहुत सारी चीज़ें एफ एंड बट से, यहाँ पे अब जो इलेक्शन होंगे और जो सूरत हाल बनेगी वो किस तरह से किसी को क्लियर मैंडेट मिलता नजर आ रहा है, बता दें खाली। नहीं नजर आ रहा है वो फ्यूचर मेजोरिटी आ जाएगा। जी जी मतलब ये कि एक पार्टी को अच्छी खासी अक्सरियत मिल सकती है, बड़ी अक्सरियत में हो सकता है, कोशिश ये की जाएगी कि पावर को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन आप देखें ना जब ग्राउंड में 70 सीटें मुकाबला ही नहीं है, कुछ मुकाबले का कोई टीम सामने मौजूद नहीं है, तो जाहिर है एक पार्टी तो नजर आ रही है। जमात इस्लामी सैफुद्दीन साहब खड़े हमारे साथ, हमारे खड़े अभी जमात की जहाँ तक बात करते हैं माशाल्लाह कराची लेवल पे शायद हैदराबाद लेवल पर भी अच्छी परफॉर्मेंस है, और उम्मीद इनसे मुझे बहुत उम्मीद है कि करेंगे, और उसका रीज़न है, और इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बता रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस है, मतलब इनका कबूलियत मकबूलियत का कोई लेवल मुझे मेयर नहीं बना सके सर। मैं वही कह रहा था, इन्हें याद रखना चाहिए कि मेयर के इलेक्शन में क्या हुआ। बहरहाल
कराची और सैफुद्दीन साहब, मेयर वेयर का चल मसला हल हो गया, कराची में या हैदराबाद में या दीगर इलाकों में जमात इस्लामी क्या स्ट्रैटेजी? अच्छा देखिए, एक काउंटर स्ट्रैटेजी बता दें मुझे, स्ट्रैटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी सी बात पहले मैं कर दूं, देखिए इसी माशरे में जमात इस्लामी भी है ना, और इसी माशरे में हम रह रहे हैं, सारे लोग इसी से आए हुए हैं। हमारी पार्टी में आखिर क्यों इलेक्शन होते हैं मुझे बताइए, हम क्यों बाकायदगी से इलेक्शन करवाते हैं अपनी पार्टी के अंदर? हमारा अमीर क्यों अपनी ज़िंदगी ही में चला जाता है और हम नया अमीर भी मुंतखब कर लेते हैं अपना जमात इस्लामी का? देखिए बात इस माशरे की अगर हम कहें ना कि माशरा बड़ा खराब, तो आप वज़ीर आज़म नहीं बन पाए ना। चलिए सर, पाकिस्तान में रेसिपी अलग है। एक एक मिसाल तो सेट की है ना हमने, एक मिसाल सेट की है कि इसी माशरे में, इसी माशरे के लोग होते हुए हम ये काम कर रहे हैं, नंबर एक बात तो ये। दूसरी बात है कि आइंदा इलेक्शन में जो सबसे खतरनाक बात होने जा रही है ना, वो ये है कि ये इंडिपेंडेंट, तो आइंदा तो इसका मतलब है कि आपने ये रास्ता दिखा दिया है कि अब जो आइंदा हुकूमत बनेगी वो बिल्कुल चाबी का खिलौना होगी कि इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जिधर हम चाहेंगे हाँक देंगे। फिर एक सॉरी टू कट यू, पिछली तहरीक इंसाफ के 35 अरकान मुनरिफ हो गए थे, पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़े, मुनरिफ हो गए, पूरी जमात बाहर हो गई, वही जमात के लोग फिर ऑपोजिशन लीडर बने, और अब मेरे ख्याल से राजा रिया साहब इस बार खुद इलेक्शन कंटेस्ट भी नहीं कर रहे, उन्होंने अपना टिकट अपने बेटे को दे दिया। जब इस सूरत हाल में जबकि बल्ले के निशान पर लड़ने वाले 32 अरकान गायब हो गए और जमात इस्लामी का मेयर नहीं बन सका, सही है ना, तो अब जब ये लोग आजाद उस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि ये शकों को शुभा भी है कि जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको कहीं से क्लियरेंस है, वरना बाकी को तो क्लियरेंस ही नहीं है, वो तो लड़ ही नहीं पा रहे हैं। मुराद सही साहब चले गए, उन्होंने कहा जी नहीं लड़ रहा, और बहुत सारे लोग इनके जो है वो नहीं लड़ रहे, लेकिन जो लड़ रहे हैं उनको कहीं से क्लियरेंस है, तो बाहर के भी ना होना जमात इस्लामी के लिए भी एक नेगेटिव हो सकता है कराची की हद तक मैं अगर पूछूं तो। देखिए यूं तो नेगेटिव तो हम नहीं कहते कि नेगेटिव हो सकता है, हम समझते हैं कि ये हो सकता है किसी और लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जमात इस्लामी इस वक्त मौजूद है और जमात इस्लामी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, ठीक है पीटीआई नहीं है, हमें अफसोस है इस बात का, उसको होना चाहिए था, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी जमात इस्लामी के लिए है और लोगों के लिए कि जमात इस्लामी को लोग इलेक्ट करें, और इंशाल्लाह अगर असेंबली में जमात इस्लामी एक मजबूत पोजिशन में पहुँचती है तो आप देखिएगा कितनी अच्छी परफॉर्मेंस उसकी होगी और खुद कराची के हवाले से कितना अच्छा साबित होगा। सर हसन साहब एक चीज़ मुझे प्लीज ये बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान की जियो पोलिटिकल सिचुएशन में हम देख रहे हैं टेंशन बहुत ज़्यादा हैं, एक तरफ एट द ईस्ट इंडिया हर रोज कोई शरारत कर रहा होता है, कोई नाकाम सी कोशिश उसकी नजर आ रही होती है, नाउ वी सीइंग अफगानिस्तान का बॉर्डर पे ऑलरेडी टेंशन थी और वहां पे पाकिस्तान एक एक्सट्रीम रेजिस्टेंस शो कर रहा है जस्ट बिकॉज कि वो हमारे इस्लामी भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, दैट इज ओनली रीजन, अदरवाइज शायद हमारा एक नजरिया और एक अंदाज भी बड़ा मुख्तलिफ होता। ईरान इज नाउ जंपिंग इन टू दिस सिचुएशन, ये क्यों पाकिस्तान इतना ज्यादा इस सारी सिचुएशन में आ खड़ा हुआ है कि पोलिटिकली जियो पोलिटिकली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड नाउ दीज रूमर्स कमिंग के पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं जिसको इस वक्त हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नलीफाई कर रही हैं बड़े पैमाने पर, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखें ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसके लिए मैं सिंपल ये कहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान ईरान रिलेशन देखें ना, तो शुरू में सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम ईरान नहीं किया, हमारी जितनी भी जंगें हुई हैं इंडिया के साथ उसमें ईरान ने हमेशा पाकिस्तान की तरफदारी की और सपोर्ट किया। अब वहाँ पर कुछ सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से अब गलतियाँ उनसे भी हो सकती हैं, हमसे भी हो सकती हैं, अगर उनसे ये गलती हुई है तो, और पाकिस्तान में हमेशा जिस तरह बॉर्डर पर भी स्क्रिमिशेज वगैरह होती रही अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ बड़ा रेस्ट्रेंट पॉलिसी थी पाकिस्तान की, और अभी जब ये जवाब दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, ये एक अच्छी डेटरेंट और मतलब वन टाइम उन्होंने रिस्पांस किया, एक डेटरेंस भी उनके मुकाबले में, और दूसरा ये कि उनको एक मैसेज ये भी कन्वे कर दिया गया कि जी देयर इज़ अ लिमिट और अगर आप उसको थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेंगे उसको। ये मैसेज कन्वे करना कितना जरूरी था क्योंकि बहुत से लोग आफ्टर पाकिस्तान गिविंग दैट दिस रिस्पांस, बहुत से लोग कह रहे थे कि इस सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता था, करना चाहिए था, और वही फोर्सेज जब पाकिस्तान ने रिस्पांस नहीं किया था तो वही फोर्सेज बढ़ चढ़ के कह रही थी कि पाकिस्तान क्यों रिस्पांस नहीं कर रहा, व्हाई टेकिंग सो मच टाइम। ये जैसा गेम थ्योरी है और उसी तरीके से है कि अगर आप एक सिचुएशन में आ जाते हैं उसको आप उसमें एक ऑप्शन लेते हैं दूसरा नहीं लेते तो उसके कॉन्सिक्वेंस के ऊपर भी डिबेटेबल है। सही है। अभी एक जो मोरल है कि एज अ पाकिस्तानी हमारा जो मोरल है कि वो भी एक बहुत मतलब लोएस्ट एप पे हुआ हुआ था कि जी अब इंडिया आया उसने 2019 में इन्फिल्ट्रेट करके हमें जो है ना एग्रेशन शो किया, अब ईरान ने कर दिया। अब चले बातचीत चलेगी, डिप्लोमेसी चलती रहेगी, लेकिन जो मिलिट्री रिस्पॉन्स है वो भी जरूरी है।
तो वन टाइम दिया ठीक है, उनको भी उनके भी अगेन वेरी सिंपल वेरी कैलकुलेटेड एंड वेरी एक्यूरेट वेरी प्रिसाइज कि मेक श्योर किया गया कि पॉपुलेशन को ना टारगेट किया जाए एंड सिर्फ मिलिटेंट ग्रुप्स को ही टारगेट किया जाए। और दूसरे कि वहां पर भी रियलाइजेशन डेफिनेटली होगी ना इसकी, और वहां पर भी ऐसा नहीं कि पूरा रियलाइजेशन नजर आई कल प्रेस ब्रीफिंग में नजर आई कल वो रिजॉल्व उनके यहां भी है और वो भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ सिचुएशन गलत एस्केलेट करें, तो वो डेफिनेटली वो अभी अपने अपने एंड पे सही करेंगे चीजें। और एक तरफ से ये है कि हमारे काफ़ी अरसे के बाद अब जैसे 2019 के बाद ये 2024 के अंदर ये इस तरह का जो रिटेलिएशन या रिस्पांस हमने दिया है ये हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को भी बिल्कुल उसको आप समझें कि डिस्प्ले कर रहा है। और हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं आप किसी भी डायमेंशन में देख लें वो माशाल्लाह प्रिपेयर्ड है और आपको उसको लिए आपके कोई नामीदी मुल्क के अंदर नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि वी आर लाइक डूइंग ऑल दिस, हम सुकून से बैठते हैं, सुकून से कारोबार करते हैं, सुकून से सोते हैं, सुकून से गुफ्तगू करते हैं, दिस ऑल बिकॉज ऑफ आवर पाकिस्तान लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारी पाकिस्तान की बहादुर अफवाज, और उस उन्हीं को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। लेकिन हसन साहब ये सवाल मेरा फिर तीनों से ही आपसे स्टार्टिंग फ्रॉम यू, खुदा ना करे कोई इस वक्त मुल्क में हम जो गुफ्तगू हो रही है कि कोई वेदर सिचुएशन, क्योंकि एक अनरियलिस्टिक की बात तो नहीं है, कोई मुल्क में इन दिनों में थोड़े से मामला बिगड़ते हैं उस मौसम के हवाले से, फिर बॉर्डर टेंशन एंड फिर आर्मी को आपको पता है जब इलेक्शंस का जब टाइम होता है तो आर्मी को बहुत से फ्रंट्स के ऊपर काम करना पड़ता है, एंड कहीं ना कहीं जो हमारे जो एनिमीज है विच आर इंक्रीजिंग एवरी डे वो भी नज़र रख रहे होते हैं कि कहाँ आपकी आर्मी का फोकस इधर उधर शिफ्ट हो और वो कोई ऐसा मिस एडवेंचर करें। डू यू थिंक कि ऐसी कोई सिचुएशन अगर बनी जहाँ पर पाकिस्तान को इलेक्शन को कुछ हद तक अवॉइड करना पड़े तो पाकिस्तान को कर लेना चाहिए फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड ही सही, महीना दो महीने के लिए? देखिए ये जो आप सिचुएशन कह रहे हैं इसकी सारी कंटीजेंसीज प्लानिंग वगैरह डेफिनेटली हेडक्वार्टर्स में होती है, प्लान ए प्लान बी प्लान सी फॉर एग्जांपल। तो डेफिनेटली अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि जिसपे वॉर फुटिंग्स पे आप काम, डेफिनेटली अगर कोई ऐसी कंटीजेंसी होगी जिसमें लोगों की लाइफ स्टेक्स पे होंगी और वो ये थ्रेट होगा कि जी इलेक्शंस नहीं हो, डेफिनेटली उसकी प्लॉसिबल रीजन बनती है तो वो हो सकता है डिले हो जाए। सैफ साहब मैं ये रिस्पांस आपसे बड़ा जरूरी है क्योंकि पॉलिटिकल इस वक्त पाकिस्तान में जब ये सारा हुआ ईरान वाला मैटर वी सीरियसली लैक अ रियल पार्लियामेंट। मैं चाहता था उस वक्त पार्लियामेंट होती, पार्लियामेंट का इजलास होता, वहां पर जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो गुफ्तगू करते, मैं उमेस कर रहा था इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसी मुस्तकिल हुकूमत का ना होना और अब इलेक्शंस के ऊपर, प्लीज इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखें पहली चीज तो ये कि बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो ये हुआ है, होना नहीं चाहिए था। दूसरी बात ये कि देखें सरहदों पर इस तरह के वाकयात हो जाते हैं और चूंकि जबकि दोनों तरफ से दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं वो काम कर रही होती हैं तो वो करती हैं। मेरे ख्याल में इसको जितना उछाला गया है और इसको मेरे ख्याल में जितना खुश अमरीका या बाकी कुछ क़ुव्वतें हो रही होंगी कि चलो गजा से ये सूरत हाल अब इधर डाइवर्ट हो गई, तो एक तो उसको हमें डिफ्यूज करना चाहिए फौरी तौर। पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, ठीक है पाकिस्तान ने उनको बता आगे बढ़ने की जरूरत बिल्कुल, लेकिन अब इसको हमें बिल्कुल खत्म करना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और मेरे ख्याल में दोनों करेंगे, हमारे यहाँ भी और पाकिस्तान के अंदर भी और ईरान में भी इतनी समझ पाई जाती है कि उसके। दूसरी बात ये जो आपने इलेक्शन के हवाले से कही, मेरे ख्याल में देखिए बिल्कुल भी हमें बात नहीं करनी चाहिए इलेक्शन को आगे बढ़ाने की, ये फिर एक खिलौना बन जाएगा पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स का आना और ना आना। लेकिन फिर मैं फिर एक और पाकिस्तान की बड़ी मजहबी जमात जमीयतुल उलमाए इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब की जमात जिनका माजी में आपके साथ बड़ा इत्तेहाद रहा है, वो आज इतना स्ट्रांग मुतालबा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि केपीके में हमारे कैंडिडेट्स घरों से नहीं निकल पा रहे, वो कैंपेन नहीं कर पा रहे, मौसम की शक्तियों का वो तस्करा कर रहे हैं, बलूचिस्तान के हालात का वो तस्करा कर रहे हैं। दैट इज अगेन मौलाना फजल रहमान साहब का सियासी कदो काट से हम मतलब बिल्कुल ऐसा तो नहीं कोई नाश ना हो, तो इफ ही इज डिमांडिंग दैट और वो पीडीएम के सदर रहे हैं वो अगर डिमांड करें तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। देखिए बिल्कुल उनका कदो काट अपनी जगह बहुत बड़ा है और इज्जत हम सब करते हैं उनकी, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह वो बात कर रहे हैं शायद उस तरह है नहीं कि वहाँ इतनी ख़राब सूरत हाल है हम नौमान की। मेरे ख्याल में वहाँ भी हमारी मुसल्ला अफवाज मौजूद हैं और सारी चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल में किया हुआ है, मेरे ख्याल में शायद उसकी वजह पॉलिटिकल थोड़ी ज़्यादा मुझे लगती है। आपको ये केपी में जो सिचुएशन है वो मेरे ख्याल में उनको फीजेबल पॉलिटिकल सूट नहीं कर रही, सूट नहीं कर रही पॉलिटिकली और वो समझ रहे हैं। यू फील इस वक्त केपी के में जेयूआई की वो वेव नहीं है पॉलिटिकल? जी हाँ, इज दैट द रीज़न? मेरे ख्याल में ये वजह है कि इसलिए वो शायद। सलमान साहब योर टेक ऑन दिस, उनकी ये फाइनल कमेंट। मैं लेटर नोट पे तो ये कहूंगा ये तो इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश लगती है, लेटर नोट पे कह रहा हूँ मैं पहले। आप लेटर नोट पे बड़ा लाइटर वाला काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन मुलतवी हो रहा है। मगर ये जो भी कुछ हुआ है इसमें बहुत सारी बातें करी जा सकती हैं। ईरान अभी उसका अंदरूनी ऑर्डर डिसऑर्डर इतना डिसऑर्डर है और इतना अच्छा हालात नहीं है ईरान के अपने, इतने सिचुएशन उसकी इतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी इतने ख़ास
सिक्योरिटी के लिहाज से अच्छे नहीं है। इस सूरत हाल में ईरान ने ये करा है तो बाद में ये वजूहत समझ में आएंगी कि आया किस तरफ। इनफैक्ट देयर वाज अ क्लियर साइन कि ईरान की इसका सिविलियन लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप में वहाँ मैसेज वहाँ पे तजाद आया। वहाँ पे पहले उन्होंने वेबसाइट पे खबर लगाई थी कि हमने अटैक किया, ये किया, फिर वो मिटा के ये आया कि कोई कार्रवाई थी, यानी कि उसको बड़ा उन्होंने कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था कि तासुर देने इस तरह से, तो इसका मतलब है वहाँ भी आजाद है। लेकिन देखें इसका जो है पाकिस्तान को एडवांटेज दूसरी तरफ से मिल सकता है काफ़ी, जो कुव्वतें जो ईरान के खिलाफ हैं और जो मगरबी कुव्वतें हैं जो अमेरिका है उसका थोड़ा सा फेवर जो है वो पाकिस्तान को मिल सकता है आइंदा आने वाले दिनों में, जिसकी इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है। तो इस लिहाज से ये चीज़ इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, इन टर्न इट विल बी पॉजिटिव। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन के हवाले से आपका जो इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, लग ये रहा था और उसका फैसला मेरे ख्याल आज भी एक मीटिंग हो रही है कौम सलामती का इजलास, जी हाँ जी हाँ हो रहा है, उसका देखें आउटकम क्या होता है। तो अगले दो दिन में मेरे ख्याल सूरत हाल वाजे हो जाएगी कि आया इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। चले बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपने तमाम मौजूद नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लेकिन फिर सवाल वही है कि एज ऑफ नाउ भले ये अनाउंस तो हो चुका है कि मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर इस बात की क्लैरिटी हमारे स्टूडियो में मौजूद लोगों को उस अंदाज में नहीं है जो नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सी मामलात हैं, तो फिर एक आम आदमी जो शायद उस अंदाज से लिटरेट नहीं है, बाशऊर नहीं है, फिर पाकिस्तान के गांव देहात में रहने वाले बहुत से लोग हैं जो शायद इस हवाले से बिल्कुल ना आशना है कि इस मुल्क में क्या कुछ हो रहा है और इस वक्त अगर इलेक्शंस हुए नहीं हुए तो क्या मामला होंगे। तो यकीन तौर पे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है और आइनी जिम्मेदारी है कि वो तमाम तर पाकिस्तानियों को इस बात के लिए तैयार रखें कि वो 8 फरवरी को ना सिर्फ अपने घरों से निकलें बल्कि जाके अपने पसंद के कैंडिडेट को सही तौर पर निशानदेही करके उसको वोट भी कास्ट कराएं, खा वो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, खा वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक होता हो, और इस बात को भी इंश्योर कराएं कि उस दिन मुल्क में ना सिर्फ अमन अमान की सूरत हाल काबू में रहे बल्कि एक इलेक्टोरल प्रोसेस है वो एक इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि आज तक इस इलेक्शन को लेकर जो इबाम क्रिएट हुआ, जो साजिशें घड़ी गई, जो आज भी प्रोपेगेंडा हो रहा है, इस इलेक्शन के ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान की नजर है, पाकिस्तान के लोगों की नजर, बल्कि इंटरनेशनली इस इलेक्शन को बड़ी गहरी निगाह से देखा जा रहा है। और अगर अल्लाह ना करे इस इलेक्शन में कुछ ऐसे मनाजर देखने को मिले जहां पे इस इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर सवाल उठे जो अक्सर नजर आते हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए आने वाली हुकूमत का जो सफर होगा वो बड़ा महदूद हो सकता है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें वक्त से पहले अगले इंतखाबात की तैयारी करनी पड़े। आज के लिए फिलहाल इतने, अपने मेजबान उनको इजाजत देना, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।